हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज के हॉल में क्या क्या है थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स के परचेजिंग लिंक आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीस के साथ, और ये आज की हॉल में मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, और ये है जॉर्जेट ए लाइन मैक्सी ड्रेस। तो यार, ये जैसा इमेज में शो हो रहा था सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। राउंड नेक के साथ 3/4 स्लीव्स इसमें मिल जाएंगी, और एक साइड से प्लीट बना हुआ दुपट्टा इसमें दे रखा है। जैसे साड़ियों में आती है ना, रेडी टू वेयर साड़ी में प्लीट्स आती है, वैसी ही इसमें मिलेंगी। और इस तरीके से फ्लेयर है नीचे से, और इसके ना टॉप पार्ट पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाएगा, और इसमें ग्लिटर भी लगा हुआ है। ग्लिटर थोड़ा थोड़ा सा पहनने में मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का छूट रहा है, और इस तरीके से देखने से आपको समझ में आ रहा होगा ये इसका वर्क है। और पहनने पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। जो इसका फ्लेयर है, जो इसका फॉल है, ऑसम है, एकदम परफेक्ट है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया लिटरली। इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट है, तो स्किन को इरिटेट करने वाला बिल्कुल नहीं है। और ना पहनने के बाद काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा था, डिसेंट लुक आ रहा था। आप किसी भी फंक्शन में इसको कैरी कर सकते हैं। इस टाइप का ये ड्रेस है, और इसमें आपको एक कलर ऑप्शन और मिल जाएगा, वो है पर्पल। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये रहा इसका फॉल, देखना कितना ज़्यादा इसमें घेर दे रखा है। और जो जॉर्जेट फैब्रिक है ना, वो अच्छा फैब्रिक, मतलब हैवी है, एकदम से हल्का फुल्का सा इस तरीके का नहीं है। और इसमें जो लाइनर यूज़ किया है ना, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। आप किसी भी वेदर में इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज ऑर्डर किया था, जो मुझे थोड़ा सा लूज फिटेड है, यानी कि एल साइज़ मुझे प्रॉपर फिटेड आता। तो आप इसमें अपना ट्रू साइज़ ही ऑर्डर कीजिएगा, आपको वेल फिटेड आएगा। और अगर थोड़ा सा लूज़ पहनना है तो आप एक साइज़ अप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें मुझे नहीं लगा। और इस तरीके से साइड में इसमें थ्रेड भी लगे हुए मिल जाएंगे। तो यार, ये वाला ड्रेस तो मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है पहनने के बाद। और इसको जब कैरी करेंगे तो जो साइड से दुपट्टा दे रखा है उसको फिक्स कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि वो स्लिप करते रहेगा। सी थ्रू वाला तो इसमें कोई इशू है ही नहीं, और इसकी जो लेंथ है वो आपको देखने से क्लियर हो रही होगी। मेरी हाइट है 5'5", तो फ्लोर लेंथ तक ये पहुंच रहा है। अच्छा, जो मैंने ये पीस ऑर्डर किया था, ये डिफरेंट ब्रांड से था। इसका प्राइस है 2100, और मुझे सेम पीस ऐसा ही मिला है मिंत्रा पर, उसका प्राइस है 1000। तो मैं आपको दोनों का ही लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। इन दोनों में रेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना। दोनों में आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बाकी पार्टी वेयर के लिए, फेस्टिव वेयर के लिए मस्ट हैव पीस है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पीस है ना, ये वानी क्रिएशन ब्रांड है। ये भी मिंत्रा से ही ऑर्डर किया था, और फर्स्ट टाइम ये ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाला भी मैक्सी ड्रेस है, और इसमें इस तरीके से टॉप पार्ट पर फाइन वर्क मिलेगा, और नीचे के पोर्शन पर नेट का इसमें फ्लेयर दिया गया है। अंदर से लाइनर भी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें भी आपको एक कलर का ऑप्शन और मिल जाएगा, वो है पर्पल। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। मुझे ब्लैक ही लेना था, तो इस वजह से मैंने दोनों ही ब्लैक ऑर्डर किए थे। इसमें राउंड नेक मिलेगा, और शॉर्ट स्लीव्स मिलेंगी। जो स्लीव्स का स्टाइल है वो थोड़ा पफ स्टाइल वाला है। गैदर स्लीव्स मिल जाएंगी इसमें नीचे से, और लेंथ इसकी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कहाँ तक है। लाइट वेट में ही पीस है, आप इसको फेस्टिव वेयर या फिर पार्टी वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज ऑर्डर किया था, यानी कि एक साइज़ अब आप इसमें कर लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको लूज़ फिटेड और कंफर्टेबल चाहिए तो। और इस तरीके से पैटर्न है, देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा, काफ़ी लाइट वेट है। बैक साइड से भी सेम एम्ब्रॉयडरी इसमें दी गई है, देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें भी सी थ्रू वाला इशू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर जो ड्रेस है उसमें अंदर से लाइनर लगा हुआ मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस रेंज है वो 1200 to 1300 की रेंज में आपको मिलेगा, तो प्राइस वाइज वर्थी है। ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छा पीस है, डिसेंट है, कम्फर्टेबल है, प्राइस वाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर कंपेयर करें पहले वाले पीस से, तो डेफिनेटली पहला वाला पीस विन करता है। दूसरा कलर जो इसमें है वो पर्पल है, पर्पल भी काफ़ी प्रिटी लगता है। उसमें स्लीव्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बाकी सेम ही है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और मिंत्रा पर जो इसकी रेटिंग है वो भी 4+ है, यानी कि टॉप रेटेड पीस है। अगर आपको पसंद आए तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट।
इसके बाद ना मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ ब्लाउज पीसेस ऑर्डर किए थे, हालांकि ये मुझे टाइट फिटेड थे तो मैं इसका ट्राई ऑन नहीं दिखा सकती हूँ, बट जो इसका रिव्यू है वो तो शेयर करना बनता ही है आप लोगों के साथ। ये वाला मरून कलर में है और इसमें जो बाहर से फैब्रिक है वो नेट का है और उसमें वाइट से एम्ब्रॉयडरी हुई है, और जो अंदर से फैब्रिक है वो अच्छे वाला कॉटन यूज़ हुआ है, यानी कि क्वालिटी अच्छी है, इरिटेट करने वाला बिल्कुल नहीं है, समर में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। और साइड से इसमें जिप क्लोज़र दिया है, इस तरीके से देखने से आपको क्लियर हो रहा होगा, और स्टिचिंग क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें दी गई है। इसमें इंटरलॉक भी है, फिनिशिंग भी है, और जो इसका प्राइस रेंज है वो 400 की रेंज में है, 400 या 450, और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, तो आप डेफिनेटली पसंद आए तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस टाइप के जो ब्लाउज़ है वो आप प्लेन साड़ी के साथ कैरी कर लीजिए, और मरून और रेड तो ऐसा है ना कॉम्बिनेशन की जनरली मैच कर ही जाता है वाइट साड़ी के साथ, ऑफ वाइट के साथ, क्रीम के साथ। सेम ब्रांड से ये वाला रेड कलर में है और इसमें भी सेम पैटर्न है, और जो इसका वर्क है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें वाइट एम्ब्रॉयडरी थी और इसमें सीक्वेंस वाला काम हुआ है, और एम्ब्रॉयडरी भी साथ में मिल जाएगी, और बाहर जो फैब्रिक है वो नेट का है, अंदर से कॉटन की लाइनिंग है। प्राइस रेंज दोनों का सेम ही है और इसमें एक पिंक कलर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, और जिस प्राइस में ये मिल रहा है ना इतने तो यार स्टिचिंग के चार्जेस चल जाते हैं अगर आप ब्लाउज पीस लेके उसको स्टिच कराएंगे। बाकी साइजेस भी इसमें सारे अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक। इसके साथ मैंने एक ब्लाउज पीस, वैसे ये क्रॉप टॉप है तो एज ए ब्लाउज भी ये यूज़ हो जाता है क्योंकि शॉर्ट होता है, और स्लीवलेस है ये वाला भी। इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब समर में भी आप आराम से पहन सकते हैं, डेली यूज़ के लिए काफ़ी स्मार्ट पीस है, और जो इसका प्राइस रेंज है ना वो 250 और 300 की रेंज में है, तो यार इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी छोड़ने वाला पीस नहीं है। अगर ब्लाउज स्टिच करवाते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो तक इससे जस्ट डबल हो जाते हैं, और क्वालिटी भी इसकी एकदम से परफेक्ट लगी। अगर पसंद आए यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हॉल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, टिल देन बाय बाय।